हेलो, गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते ईच एंड एवरी वन। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सब लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है जो कि मैं कार से करने वाला हूँ। ये नेक्सॉन हमारी गाड़ी है, आज सर्विसिंग का दूसरा टाइम हो गया इसका, तो अभी दरभंगा में जा करके इसका सर्विसिंग करवाया जाएगा। इस गाड़ी को मैंने परचेज़ करा था मुजफ्फरपुर से, और मुजफ्फरपुर में टाटा का एक्चुअली शोरूम है। समस्तीपुर से मैं हूँ और समस्तीपुर में शोरूम है नहीं, तो अभी मैं इसको ले करके जाऊँगा दरभंगा के शोरूम में। और दरभंगा के शोरूम में जाने के बाद वहाँ नया शोरूम ओपन हुआ है, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पे क्या सिस्टम है, क्या सब रखा हुआ है उन लोगों ने, और किस तरीके से वो सर्विसिंग करते हैं गाड़ी का, और छोटा सा जगह है या बड़ा सा प्लेस है, मेन रोड के बगल में है या फिर कहीं अंदर गली में जाना पड़ता है, ये सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ रास्ते में जो भी सीनरी आएगा मैं बताऊँगा। बहुत शोर शराबा के बीच में अभी हम लोग जस्ट यहाँ पर स्टॉप किए हैं, और ये जो परिदृश्य दिख रहा है ये बागमती है, रास्ते में पड़ता है। हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा रुके हैं देखने के लिए पानी का स्तर कहाँ तक है, और जिन लोगों ने भी बागमती नदी सिर्फ सुना है, पढ़ा है, देखा नहीं है, वो लोग देख लीजिए बागमती। ये हमारे मित्र हैं, सूर्या से हाय। ये बागमती, हाँ जी, क्या जानते हैं बागमती के बारे में बोलिए। ये काठमांडू से आती है, पशुपतिनाथ मंदिर भी इसी के किनारे बसा है। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर पड़ता है? काठमांडू में। काठमांडू में देखिए, ये नेपाल नेपाल क्षेत्र में काठमांडू, कमला बागमती, नेपाल क्षेत्र में काठमांडू जो आप देख रहे हैं वहाँ पर जो पशुपति मंदिर है बहुत ही फेमस है। उस नदी का पानी देख लीजिए, बहाव यही है, और अभी तो स्तर बहुत ही ज़्यादा तेज बहाव है। अभी आपको फोटो में पता नहीं, मुझे इस वीडियो में आप लोगों को पता लग रहा हो या ना लग रहा हो, वो रही मेरी गाड़ी। ये हम चिकचक रास्ते में जा रहे हैं, मिथिला क्षेत्र अपने नदियों के कारण जाता है, जो कि मार्ग बहुत जल्दी जल्दी बदलती है, इसलिए यहाँ के रास्ते पूरे जिकजैक में होंगे, आपको सीधे रास्ते नहीं मिलेंगे। तो सामने का जो ये एरिया देख रहे हैं ये पूरा पानी लग जाता है। यहाँ लेफ्ट साइड में देख रहे हैं बहुत लंबा सा आपको प्लेन मैदान देखने के लिए मिल रहा होगा, ये जितना भी पेड़ उगा हुआ है ये सारे पेड़ के ऊपर तक पानी आ जाता है। ये सड़कों पे पानी तो नहीं आ पाता, लेकिन नीचे बहुत गड्ढा है और लंबा दूर तक मैदान फैला हुआ है जहाँ पर पूरा पानी पानी भरा हुआ होता है। और इस पानी की वजह से जब सीतामढ़ी का इलाका होता है या फिर जब आप बरसात के टाइम में आओगे तो पूरा आपको वाइट वाइट नज़र पे आएगा। ये जितने भी ईंटें देख रहे हैं ये सब यहाँ पे चिमनी बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि बहुत लंबा फील्ड है दूर दूर तक, तो चिमनी वगैरह बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे ईंट का खाददान भी है, और यहाँ पर साथ ही साथ आपको बालू वगैरह भी मिल जाएगा जो कि नॉर्मल कहीं भी सस्ते रेट में मिल जाएगा। हाँ, एक मज़े की बात, सामने से जब मैं जा रहा था, ये सामने जो ट्रक दिख रहा है इसकी चक्का, वाकई में इसका जो व्हील है बहुत ही ऊंचा लगा था मुझे। आप लोग देख करके बताना अगर आप लोग के समझ में आए कि कौन सी कंपनी की है, कैसे निकला हुआ है, क्या पहले भी ऐसा ही था। तो हालांकि ये जो अभी आप राइट साइड में फील्ड देख रहे हैं ये पूरा का पूरा फील्ड वाइट पानी से ढक जाता है, और जब उस टाइम में बरसात के टाइम में अगर आपको कभी मौका मिले इस एरिया को घूमने का तो एक गजब सा सीनरी आता है। सूरज की रोशनी इस पे ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के आती है मानो आप अपनी नंगी आँखों से उस पानी को देख ही नहीं सकते हो। खासकर मॉर्निंग के टाइम बहुत ब्यूटीफुल सीनरी होता है, इवनिंग के टाइम में भी बहुत ही अच्छा सीनरी यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, पिक्स फोटो वगैरह सब बहुत ही बेहतरीन आते हैं। और यहाँ पर जो सड़क बनाया हुआ है, हालांकि ये फोर लेन बनने वाला है, अब पहले तो ये जैसे तैसे था, मतलब जिगजैग रास्ते से जा ही रहा था, लेकिन अभी इधर कुछ सड़क परिवहन के द्वारा सुधार किया गया है। उसके बाद फिर रिसेंट आप देख ही रहे हैं कि अभी किस तरीके से सड़क को बनाया गया है, फोरवेज बनने वाले, और फोरवेज हालांकि अब नितिन गडकरी साहब का परिवहन जो विभाग मंत्री हैं तो उनका कहना है कि हर जगह पर अब ऐसी ही सुविधा मिलेगी। रास्ता काफ़ी खाली होता है, हम लोग जो स्पीड चला रहे थे तो वही 70-80 यही स्पीड चल रहा था। माइलेज का भी मेरी गाड़ी में थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम था।
तो हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं सर्विस सेंटर, और दरभंगा के टाटा शोरूम का जो सर्विस सेंटर है वो सड़क के नज़दीक है, दिल्ली मोड़ के पास आ पाइएगा। ये सर्विस सेंटर का बाहर का इलाका है, यहाँ पर साइड में एक गार्ड साहब बैठे हुए हैं। आप बाएं साइड में देखेंगे पूरा गाड़ी ही गाड़ी आपको देखने के लिए मिलेगा, और गजब की नेक्सॉन आप देखने के लिए मिल जाएगा सामने से। ये नेक्सॉन आपको 5 out of 5 star रेटिंग में आता है, बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है, हालांकि न्यू एडिशन में आती है, इसके बारे में आपको बाद में बता रहा हूँ। टाटा का यहाँ पे टियागो देखने के लिए मिलेगा, नेक्सन व्हाइट कलर में आप देख लीजिए, ये भी लगा हुआ है और हैरियर है। फिर सामने एक और नेक्सन दिख रहा है आपको, मतलब मार्केट में नेक्सन छाया हुआ है, वो क्यों? क्योंकि लोगों को टाटा पे भरोसा है, बिल्ड क्वालिटी भी ज़बरदस्त। लेफ्ट साइड में ये हो गया नैनो, और उसके बगल में आपका हैरियर है, ये सॉरी अल्ट्रोज था, हैरियर नहीं था। और ये जो एरिया है ये आपका पुलिंग एरिया है, जहाँ पे कि उसको अलाइन किया जाता है, गाड़ी को उठाया जाता है। बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे लगी हुई है सर्विसिंग के लिए। ये भी एक अल्ट्रोज आपको देखने के लिए मिल गया, ये फिर से एक नेक्सॉन आपने देख लिया। नेक्सॉन आपको जहाँ देखिएगा आपको चारों तरफ नेक्सॉन ही, सड़क पर भी आप चलेगा नेक्सॉन देखने के लिए मिल ही जाएगा। फिर से एक नेक्सॉन आप देख लीजिए, ये इनका स्टाफ रूम है, जहाँ पे स्टाफ वगैरह रहते हैं, कुछ सर्विसिंग वगैरह का जो काम होता है उससे रिलेटेड काम करते हैं। ये वॉशिंग एरिया है, यहाँ पे चारों तरफ वॉश किया जाता है, और साथ में डेंट पेंट का भी काम किया जाता है। नीचे मैं सोच रहा था कोई रूम होगा, गड्ढा होगा, लेकिन ऐसा था नहीं, ये इनका पार्ट्स लगाने का जगह है। ये देखिए डेंटिंग पेंटिंग गाड़ी का हो रहा है, और ये भैया डेंटिंग पेंटिंग कर रहे हैं गाड़ी का, और कलर को मैच वगैरह करने का। छोटा सा एरिया है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, हालांकि इससे भी बड़ा एरिया होना चाहिए, बहुत छोटा सा एरिया है, इतना छोटा नहीं होना चाहिए। आप फैल से काम ना कर सको, दो लोग उठ बैठ ना सके, गाड़ी आप चारों तरफ घुमा ना सको, तो वो थोड़ा कंजस्टेड एरिया हो जाता है। आई डोंट नो कि मतलब कहीं और भी स्पेस होगा इनका ऐसा, जहाँ पे ये कर रहे होंगे, हालांकि अपनी अपनी जगह की बातें हैं। आइए ये दिखाता हूँ, ये इनका स्टाफ रूम है। तो अभी हम लोग आए हैं आशीष जी से मिलने के लिए, देखते हैं जो कि यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, सब कुछ को हेडिक करते हैं सर्विसिंग के लिए। सर हेलो सर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले गुड तो, मॉर्निंग। कितना दिन हुआ है इस शोरूम को ओपन हुए हुए? ऑलमोस्ट 2 month हो गया है। 2 month हो गया, और 27th अप्रैल, अच्छा 28 को, ओके। जैसे कि न्यू शोरूम यहाँ पे ओपन हुआ है तो बहुत सारे चैलेंजेस भी होंगे जो आपके लिए यहाँ पर नया होगा, क्योंकि रूरल एरिया है थोड़ा सा दरभंगा का जाना जाता है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आते होंगे, अलग अलग तरीके की डिमांड, बहुत सारी चीज़ें हैं कि उनके समझ में आती भी नहीं होंगी, ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं। तो कैसे डीलिंग होता है कस्टमर के साथ में? देखिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है यहाँ के कस्टमर से। एक्चुअली क्या हुआ था कि सर्विस स्टार्ट होने में थोड़ा सा डिले हुआ, ओके, लेकिन कस्टमर का इतना ज़्यादा डिमांडेशन था कि मुझे सर्विस कराने के लिए बहुत डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है, नहीं तो इधर पूर्णिया साइड जाना पड़ता है। तो आप जितना जल्दी हो स्टार्ट कर लें। स्टार्टिंग में मेरे पास वॉशिंग वगैरह भी चालू नहीं हुआ था, लेकिन कस्टमर के सपोर्ट के कारण बोले कि कोई जरूरत नहीं है सर, आप वॉशिंग बाद में भी कर दीजिएगा, बट आप सर्विस स्टार्ट कर दीजिए। तो हम लोग स्टार्ट कर दिए, तो कस्टमर का कॉपरेशन बहुत अच्छा मिला। एक दो कस्टमर तो हो ही जाते हैं, 100% कस्टमर तो संतुष्ट नहीं होंगे, तो उनका डिमांडेशन रहता है, लेकिन अब नया डीलरशिप है, थोड़ा सा तो इशू मिलेगा ही, धीरे धीरे वो सारी चीज़ों को हमने कवर कर लिया है। अब टिल डेट कोई परेशानी नहीं है। पीछे एक वॉशिंग का जो एरिया है वो अभी मैंने देखा है, तो वो रिसेंट जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, अभी अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो एक नेक्सॉन गाड़ी लगी हुई है, जहाँ पे एक अभी रेड टी शर्ट में लड़का खड़ा है, तो वो नेक्सॉन का वहाँ पे गाड़ी की अभी धुलाई के लिए लगी हुई है, तो वो धुलाई का एरिया, तो वो एक एरिया है धुलाई का, या फिर सारे काम यहीं पर हो जाते हैं, धुलाई से लेकर सर्विसिंग का लेकर माइलेज टेस्टिंग वगैरह का जितना भी सारे काम होते हैं यहीं पर होता है, या फिर अदर कहीं भी कुछ है? नहीं, सारा काम आपको टाटा का यहीं पे हो जाएगा, सब कुछ यहीं पे हो जाएगा, मैकेनिकल से लेके एक्सीडेंटल से लेके सारा चीज कवर, पार्ट्स, एक्सीडेंटल, डेंटिंग पेंटिंग, सब डेंटिंग पेंटिंग सारा, सेल्स सर्विस सारा चीज अवेलेबल। तो लगभग कितने वर्कर्स होंगे जो अभी इस सर्विसिंग सेंटर में काम कर रहे होंगे? अगर सेल्स और सर्विस मिला दिया जाए जी, तो 70 के आसपास होगा। 70 वर्कर्स, ठीक है। और यहाँ पर गाड़ी का जो फिनांस वगैरह का जो सिनेरियो है, अगर कोई न्यू कस्टमर आते हैं फिनांस करवाने के लिए, तो क्या टाटा कंपनी फिनांस कर रही है, आप लोग फिनांस करवा पाते हो, या फिर बैंक के थ्रू होता है? नहीं, सारा टाटा के पास भी ऑप्शन है और बैंक के थ्रू भी होता है, जैसा कस्टमर चाहेंगे उस हिसाब से होता है। तो एक मिनिमल कॉस्ट होता है जिसको कि डाउन पेमेंट के रूप में जमा करने के बाद में गाड़ी फिनांस हो जाती है। तो अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में होते हैं तो उनके लिए कितना साल का रिलैक्सेशन होता है, मतलब, और जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है उनके लिए कितना साल का होता है जो फिनांस पे गाड़ी उठाना चाहेंगे? एक्चुअली क्या है कि सेल्स का तो उतना मैं बता नहीं पाऊंगा, इसके लिए शोरूम में जाना पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट जो भी एम्प्लॉई है उनके लिए बैंक से बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है। ओके ओके, ठीक है। और आपका यहाँ पर मतलब मेनली क्या देख रेख का होता है? एक्चुअली मैं मेन यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट देखता हूँ, जितना भी सर्विस में कोई प्रॉब्लम हुआ, तो गाड़ी का कहीं बीच में ब्रेकडाउन हो गया, फंस गया, तो उसको टो करने का मतलब ये सारा सीनरी आप करते हैं? सारा फैसिलिटी अवेलेबल। कितना किलोमीटर के अंदर गाड़ी फंस गई तो आप टो करवा सकते हैं? हम लोग का जो भी एरिया आता है सर, लगभग जैसे कुछ आपको वाइड एरिया तो होगा,
जैसे इधर मधुबनी वगैरह चले जाए। हाँ, कितने किलोमीटर का संदर्भ? 70 किलोमीटर के आसपास। तो 70 किलोमीटर के अलावा कोई भी सर्विस सेंटर का ये बात है ना, राइट? टाटा का जहाँ सर्विस सेंटर है उधर से 70 किलोमीटर के अगल बगल में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो गाड़ी वहाँ से टोका करके आ जाती है। अच्छा, उसके चार्जेस वगैरह सब जो टो करने का होता है कुछ ऐसा? दो तरह का सिनेरियो होता है, अगर वो आरएसए लिए हुए हैं जी तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये आरएसए का मतलब क्या होता है? रोड साइड असिस्टेंट होता है, इसका मिनिमम एक चार्जेस लिया जाता है कस्टमर से ड्यूरिंग इंश्योरेंस। हाँ, जस्ट लाइक मतलब इंश्योरेंस ही है, एक साल का वही 2000 के अप्रॉक्स में आता है, तो उसमें 2 या 3 बार आपका ट्रेन चार्ज फ्री होता है। अगर वो नहीं लेते हैं तो फिर चार्जेबल बेस होता है। अच्छा, एक गाड़ी अगर सर्विसिंग के लिए आती है, डेंटिंग पेंटिंग का नॉर्मल काम रहा, मिनिमल काम रहा, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, तो कितना घंटा में गाड़ी यहाँ से निकल सकती है? नॉर्मल जैसे माइनस स्क्रैच वगैरह। हाँ जी, हाँ जी, तो हम 3 से 4 घंटा में भी निकाल के देते हैं। अभी ज्यादा रस तो होता नहीं होगा सर्विस में? रस तो है नहीं, मतलब 10-12 गाड़ी का रिपोर्टिंग है, लेकिन नहीं हो सकता। ओके ओके, एक दिन का मतलब है कि 10-12 गाड़ी यहाँ से सर्विस होकर के बाहर निकल जाती है। प्रॉब्लम मतलब डेंटिंग पेंटिंग इंक्लूड है इसमें, राइट? नहीं, इंक्लूडिंग डेंटिंग पेंटिंग का नहीं। ओके, सिर्फ सर्विसिंग है। सिर्फ सर्विसिंग। डेंटिंग के लिए अप्रॉक्स अभी मंथ में मांग के चलिए डेली 1-2 गाड़ी आती है। अच्छा, जैसा कि मैंने बहुत जगह पर देखा है कि डेंटिंग पेंटिंग में जब गाड़ी को मतलब पेंट वगैरह करा जाता है तो 0x0 का मैच नहीं हो पाता है, तो यहाँ का क्या सीन है? मतलब 0x0 कंप्लीट मैच होकर के आप लोग गारंटी ले लेते हैं उन चीजों का? जैसे बहुत पुराना गाड़ी अगर नहीं है जी, 2-3 साल का गाड़ी है, तो मतलब कलर पूरा मैच कर जाएगा, 0x0 होगा। 0x0। हाँ, पुरानी गाड़ी पे तो मतलब धुलाते वगैरह में क्या होता है कि वो थोड़ा डाउन भी हो जाता है, थोड़ा सा कलर उन लोग का डाउन हो जाता है और मेरा नया कलर रहेगा, वो मैच करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आइए मूव करते हैं थोड़ा सा राजा जी की ओर। ये हमारे हुए राजा जी, जो कि सर्विस वाले, ये पहले मुजफ्फरपुर में वर्क करते थे, मेरा इनसे अच्छा खासा जान पहचान भी है। हाय सर, तो आप जो है, आपको मुजफ्फरपुर में क्या ऐसा दिक्कत हुआ कि फिर आपको दरभंगा आना पड़ा? फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा यहाँ पे नया डीलर पॉइंट है। ओके, बिहार का सिंगल एक समय में यशराज मोटर पर करता था। हाँ जी, हाँ, ज्वाइन किए थे। तो जैसे ही अगर उसका कोई ये बनता है, वे बनता है, दूसरी जगह तीसरी जगह, हाँ जी, पुराने स्टाफों को भेजा जाता है। ओके ओके, तो वहाँ पे बहुत दिनों से काम करने के रिगार्डिंग उनको यहाँ भेजा गया। आप आज एक्सपीरियंस होंगे यहाँ पर, तो आप तो सारा काम वगैरह मेंटेन करने का हेडेक और बहुत सारे लोग जान पहचान कारण भी कॉल्स आते होंगे 24/7। जी जी, बिल्कुल। क्या लगता है परेशानी यहाँ का? यहाँ पे किसी भी तरह की कोई समस्याएं नहीं है। अच्छा, के कस्टमर यहाँ के जो है बहुत ही अच्छे हैं। ओके, 100% सेटिस्फेक्शन है कस्टमर को, कस्टमर सेटिस्फाइड होकर के जाते हैं। अच्छा, वेल टुगेदर जो अपने मतलब ये चीज़ होती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बड़ी बात होती है। बाहर जाने के बाद में वो रिव्यू देते हैं दूसरे लोगों को कि वहाँ का सर्विस अच्छा है, तो वो दूसरे लोग भी यहाँ पे प्रलोभित होते हैं कि चलिए हम एक बार आते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छा, वेल बिहेव्ड आप भी है, बहुत अच्छा, वो मैं जानता हूँ। गाइस, मैं आपको बता दूँ, ये हमारे बगल के घर के बगल के ही है और वेल बिहेव, काफ़ी अच्छा बिहेव है। और ये जो अभी आप मिले हैं सर से, इनका बिहेव काफ़ी अच्छा, जैसा कि आपने बातचीत के दौरान में देखें, नम्र स्वभाव है, कहीं कोई टेंशन नहीं है। बहुत सारे सर्विस सेंटर में मैंने देखा हुआ है कि वहाँ पर जाने के बाद लोगों का थोड़ा रुखापन होता है, यहाँ पर आपको कंप्लीटली टाइम मिलता है। तो राजा जी, मान लीजिए कोई एक ऐसा कस्टमर है जो कि आपके पास में आ रहा हो, कहीं कोई रिस्पांस ना समझ रहा हो आपका किसी भी तरीके से, आप लाख समझाने की कोशिश कर रहे हो, तो कभी कोई झड़प वगैरह का सीन बना है क्या? नहीं, आज तक ऐसा नहीं हुआ है। कोई एग्रेसिव कस्टमर आ जाए? जी, इसके लिए हम लोग एक ऑप्शन रखते हैं अपने पास, कि अगर कोई कस्टमर हमसे सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा है, अपने सीआरएम के पास उनको ट्रांसफर करते हैं, अगर वो सीआरएम से भी सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा है, अपने सीनियर सर्विस मैनेजर के पास उनको ट्रांसफर करते हैं, उनसे भी नहीं हो पाता है, तो टाटा मोटर्स के पास उनको ट्रांसफर करते हैं। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब अगर हम सेटिस्फाइड नहीं कर पाए, ये नहीं है कि हम ही सेटिस्फाइड करके मानेंगे, हम सेटिस्फाइड नहीं कर पाए तो ठीक है, आपको बेहतर क्वेरीज है तो आप ऊपर जा करके जान सकते हैं। मतलब ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप यहीं बैठिए, हम ही बताएंगे आपको, अगले आदमी से मुलाकात नहीं हो सकती, ऐसा कुछ नहीं सीन है। चलिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बातें हैं। और जैसे कि यहाँ पे नंबर प्लेट वगैरह का जो सीन है, मान लीजिए कि अगर कोई गाड़ी लेता है, सर मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा, अगर कोई नंबर प्लेट वगैरह के लिए यहाँ पे जैसे आता है या आरसी वगैरह के लिए आता है, तो गाड़ी निकालने के बाद कितने दिनों के अंतर्गत उसको वापस मिल जाता है वो? जैसे एफ और डीटीओ को नंबर प्लेट लग के ही मिलना चाहिए गाड़ी निकलने के टाइम में, निकलने टाइम में, ठीक है। लेकिन कभी कभी अगर डीटीओ से आने में टाइम लग गया, हाँ, कोई कोई गाड़ी में 1-2 दिन में भी हो जाता है। हाँ, बहुत सारा कारण हो सकता है, नंबर प्लेट अवेलेबल नहीं हो, बदला गया हो, बहुत सारे रीजन हो सकता है। तो मतलब हमको लगता है कि 70-80 कस्टमर को 1 से 2 दिन में ही प्रोवाइड हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में मतलब फिर कस्टमर जो लोग गाड़ी लेकर के निकल गए, कहीं दूर चले गए, फिर 10 दिन के बाद वापस आ गए, तो बाई पोस्ट उनको घर पे पहुंचाया जाता है या फिर यहाँ पर आकर के लेना होगा उनको नंबर? जैसे हम लोग कोशिश करते हैं, अगर मेरे इनसे डिले हो रहा है जी, प्रोवाइड उनके घर तक करवा दे। ओके, जो भी सेल्समैन है जिन्होंने गाड़ी दिया है जी, उनके थ्रू उनको भिजवा दिया जाए। लेकिन मेन होता है कि गाड़ी में पंच करना, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर को लगाना जी, जो कि कस्टमर के इनसे पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उनको ये भी बोलते हैं, सर आप तो उनके घर पे लगा पाना मुश्किल है जी जी, तो या तो आप यहाँ विजिट कर ले, नहीं तो फिर अगर पॉसिबल होता है तो फिर लड़का ही भेज देते हैं। ओके, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर के पंच करके आते हैं, उसके चार्जेस वगैरह नहीं होते हैं, उसका कोई चार्ज। चलिए, थैंक यू। अब आइए आपको थोड़ा सा मैं इंटरनल व्यू दिखा दूं। ये जितने भी आते हैं कस्टमर, उनको बैठने का जगह अरेंज किया गया है। एक एसी आप सामने देख रहे हैं जो लगा हुआ है, यहाँ पे राइटिंग काम होता है, जितना आपको जॉब कार्ड, जॉब बुक वगैरह जो ओपन करना होता है। एक रिप्रेजेंटेटिव साइड में बैठी हुई है,
यहाँ पे अभी अभिनव जी बैठते हैं, जो कि है नहीं, गाड़ी देखने के लिए गए हुए हैं, और ये साइड में भी हैं, वो अभी है नहीं, ये सब गाड़ी को देखने के लिए गए हैं जो कि सर्विसिंग में लगा हुआ है, क्योंकि नया एजेंसी है तो बहुत सारी गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो जा करके तत्काल शॉट डाउन करते हैं। हमारी गाड़ी एक्चुअली अभी गई हुई है माइलेज टेस्ट के लिए, माइलेज टेस्ट गाड़ी आ गई है। तो ये हमारी गाड़ी है, इसमें एवरेज का भी प्रॉब्लम आ रहा था। मैंने देखा था कि मतलब ये नेक्सॉन गाड़ी है, इसमें एवरेज का प्रॉब्लम था, लेकिन हमारे रूट में तो 8 या फिर 9 का एवरेज है, और अभी दिख रहा है इसका एवरेज प्रोबेबली 16.0 का दिख रहा है। और कुछ देर पहले इसका हाईवे पे जब चलाया जा रहा था तो नियरली अबाउट 21, 19, 18 ये सब का एवरेज दिख रहा था। हालांकि ये ऐसे सडन इन्फ्लेशन नहीं आया है, इन्होंने थोड़ा एयर फिल्टर वगैरह चेंज कराया। क्या सब करवाया इसमें भाई आप? एयर फिल्टर हमने साफ कराया है, और उसके बाद वाइपर वगैरह में पानी वानी डाल के, ओके, और कार्बोरेटर का सेंसर साफ करके फिर चलाया। तो मतलब ऐसा क्या प्रॉब्लम हो रहा था कि जो इसका हम लोग जब चलाते हैं तो उतना माइलेज नहीं दे रहा, अभी फिर टेस्टिंग में इतना माइलेज दिख रहा है? गाड़ी हाईवे पे सर कभी भी एक रूट में एक चाल में चली जाएगा तभी माइलेज देगा, ओके, और जैसे लोकल में हम चलते हैं तो गियर फटाफट चेंज करना होता है, हाँ, उसके चक्कर में माइलेज थोड़ा कम देगा। ओके, और थोड़ा सा प्रॉब्लम हमारे में था कि एक्सीलेटर भी बहुत नीचे तक उसका शायद मैट लगा हुआ था, तो उसके लिए क्या किया आपने? वो हमने मैट काट दिया, उसका एक्सीलेटर पेडल पूरा दबने नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से वो कम हो रहा था। और तो सिर्फ मतलब मैट का प्रॉब्लम था और कुछ खास नहीं था, बाकी गाड़ी में और अभी कोई समस्या नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, बाकी अभी धुल करके गाड़ी निकल जाएगी। तो ठीक है, ये सामने धुलाई हो रही है गाड़ी, यहाँ पर धुलने के बाद में फिर हम लोग गाड़ी को वापस ले जाएंगे, और प्रोबेबली आधा घंटा से एक घंटा हम लोग अभी यहाँ लगा है, आप लोग वैसे टाइम देख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग चल रहे हैं टाटा के मेन शोरूम में, वो सर्विस एरिया को छोड़ करके, नीचे सर्विस एरिया दिख रहा होगा, गार्ड वाले भाई साहब सामने खड़े हैं, और अंदर में सारी गाड़ी लगी हुई है। हालांकि ये नया शोरूम खुला हुआ है, अल्ट्रोज जो सबसे ज़्यादा चलती है, लोगों की फर्स्ट डिमांड होती है, उसके बाद पंच, 5 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग इसका भी गया हुआ है, सॉलिड लुक आगे से देखने के लिए लगता है, और इसका कलर भी काफ़ी ज़बरदस्त बनाया हुआ है। फिर से आपको एक नेक्सॉन देखने के लिए मिल गया, नेक्सॉन का डिमांड काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि फीचर्स अपलोडेड गाड़ी होते हैं। फिर यहाँ पे दिख रहा है आपको टीगोर, और ये भी गाड़ी काफ़ी अच्छा है, और फिर से नेक्सॉन, हालांकि ये काजीरंगा एडिशन है जो कि न्यू आया है, लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है। अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आ रहे हैं नेक्सॉन में, और वो भी काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड है, और इसका लुक, इसकी मजबूती लाजवाब है, अल्टीमेट है, इसके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। अभी तक तो गाड़ी हमारी धुलकर रेडी हो गई होगी, आइए देखते हैं। तो ये हमारी गाड़ी अभी वॉशिंग हुई है, इस पर अभी कपड़ा लगना बचा हुआ है, पॉलिश वगैरह होना बचा हुआ है, तो फिर ये पॉलिश वगैरह होने के बाद में हमें एक पेपर मिलेगा जो कि गेट पास होगा, ये है पेपर जो कि गेट पास होगा, और ये कंप्लीट हमारा पॉलिश आउट हो गया है गाड़ी, और हमारी गाड़ी बाहर निकलेगी, और बाहर निकलते ही वो जो पेपर मैंने दिखाया था, वो गार्ड वाले भैया जैसे अभी रोके हैं, उन्हें पेपर दिया जाएगा गेट पास, और उसके बाद फिर वापस हम लोग वहाँ से निकल चलेंगे। ये सामने हम लोग टर्न करवाए थे गेट पे, यहाँ पे जो गार्ड हैं वो गार्ड वाले भैया यहाँ पे टर्न करवा करके आपको गाड़ी को सड़क पर खड़ी करवा करके तब जा करके छोड़ते हैं, और वापस हम लोग आ रहे हैं। ये नज़ारा वापस लौटने का है, शानदार, दूर तक पूरा पुल फैला हुआ है, और आप देख रहे हैं हम लोग मज़े उठाते हुए आ रहे हैं, गाड़ी में हमारी कोई समस्या नहीं है, और हमारी गाड़ी अभी भी 12 का माइलेज मेंटेन करके दे रही है ना। हालांकि इससे पहले जब मैं गया था तो शायद 8 का माइलेज था, और उसके बाद में मुझे यहाँ पर 12 का माइलेज देखने के लिए मिल रहा है। ये जो सीनरीज आप देख रहे हो साइड का, यहाँ पे पूरा बालू का इलाका है, और जैसा कि मैंने बताया था, ये जितनी भी झोपड़ियाँ हैं इसलिए है क्योंकि यहाँ परमानेंट अभी घर नहीं बनाया जा सकता, पानी भर जाता है चारों तरफ तो घर बनाने का परमानेंट सवाल ही नहीं, क्योंकि वहाँ का जो पिलर होगा वो ऑलरेडी डाउन हो जाएगा। फिर हम लोग मज़े लेते हुए आराम से दरभंगा से वापस फिर समस्तीपुर को आ गए। मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग है, इसलिए हो सकता है बहुत सारे मिस्टेक इसमें हुए हो, लेकिन आप लोग फर्स्ट ब्लॉग समझ करके लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा, और ऐसे वीडियोस और मैं बनाने का कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को और भी वीडियोस मिल सके, और जो भी इसमें फॉल्ट वगैरह होगा मैं कोशिश करूँगा कि उसको कम्प्लीटली मैं सुधार करके नए वीडियोस बहुत अच्छे तरीके से कास्ट करके आपके सामने में रखूँ। टिल देन बाय बाय एवरीवन, और राइड एंजॉय कीजिए आप लोग भी, लेकिन कीप सेफ ड्राइव ऑन द रोड। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं फिर नए वीडियो में।